पॉजिटिव आ रहा है, तो वो चाहते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट इन फ्यूचर होते रहें और यहाँ के नौजवानों को प्लेटफॉर्म मिलता रहे। तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे, अगर इनका ऐसा ही फीडबैक रहा, इनका तावन हमारे साथ रहा, तो हम कोशिश करेंगे कुछ और ऐसी गेम्स लाने के लिए यहाँ पे, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे गर्ल्स के लिए भी कोई ना कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लाए स्पोर्ट्स के लिए। तो उसके लिए कोई एक कमेटी भी बनाएंगे, जिस कमेटी में हम स्पोर्ट्स एसोसिएशन का सोच रहे हैं कि स्पोर्ट एसोसिएशन बनाएंगे, जिसमें हम हमारी सभी गेम्स उसी में आ जाएंगी, लाइक फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट या गर्ल्स स्पोर्ट्स, सब कुछ उसी में आ जाता है। जहाँ तक रहा इस टूर्नामेंट का सवाल, वो आप सोशल मीडिया पे वैसे आप देख ही रहे हैं, लोगों का अच्छा फीडबैक रह रहा है और आप भी हर रोज़ यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे बाइट्स ले रहे हैं, तो लोग यही बता रहे हैं कि ये जो इनिशिएटिव है काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक, तो आगे भी अच्छा रहेगा। अभी देखिए फाइनल तक और इसमें एक्साइटमेंट। हाँ, जहाँ तक टैलेंट की बात है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है करना, में टैलेंट से भरा पड़ा है हमारा करना, तो इस टैलेंट को शो करने की ज़रूरत है, तो उसी पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन इतना अच्छा टूर्नामेंट और इतनी सफाई के साथ जो खिलाते हैं यहाँ पे टूर्नामेंट, वो बहुत ही, मतलब मैं बोलूँगा, एक अलग लेवल का है। करना की लेवल का ये मैच नहीं है, मैं तो इसे नेशनल लेवल के बराबर का मानूंगा ये जो मैच है। और ये टैलेंट हंट भी है, हिसाब से जो प्लेयर्स हैं इनको मौका मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने के लिए। पूरे करना की टीमें आ रही हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं देखने के लिए। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा बिलाल चौहान साहब को, देन दिस आर्मी को और इनकी ऑर्गेनाइजेशन को, अंपायर्स को, स्टाफ को, सबको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। तो बाकी ये जो टीम हारी आज, इसके बारे में आपकी निकाल करते हैं थोड़ी बहुत असी के सब पहाड़ी है, तो सब पहाड़ी सुन रहे हैं। तो स्टेप जो बिलाल साहब की तरफ है कि यूथ को किसी तरह एंगेज कीते गए, तो तुसी किस तरह देखते हो कि एक तरीका बेहतर तरीका है कि समझ दो यही तरीके है। कोई भी आर्ट फॉर्म है या सपोर्ट्स के बिजनेस से ऐसी जो बाकी मैनेज से उनको एजुकेट कर सकते हैं, तो बिलाल भाई जब जान लिया हमेशा ऐसे इवेंट करते रहे, और आज भी देखो कितने सारे लोग पार्टिसिपेट की तरह, कोई पत्री टीम है, तो उस सबको मतलब उन सारी चीजों को एरेडिकेट करते हैं, यही एक जरिया है कि हो सकती है इंटरनेक्टिविटी करो बाकी बच्चे में टैलेंट है उसको। अरे इसीलिए मुंडे होता बाल लग जाए तो सोचे उसको ऑन आउट ही होगा सर। ना हो नहीं सोचे, मुंडे होता बाल लगे मैं सोचे उठाल गेंदे गए खान वकार खान आज के मैन ऑफ द मैच रहे हैं। कितने का इनाम है इनके? सर ये जनता जानना चाहती है, यही बताना चाहूंगा जितना भी है ये नाम है या ये खुद जानते हैं, तो नेक्स्ट आने वाले मैच है उनमें वही प्लेयर जानेगा जिसका जो मैन ऑफ द मैच बनेगा वो इसको पता चलेगा। थोड़ी सी हम बिलाल भाई से बात करेंगे, वकार भाई थोड़ी देर यहीं पर हम बिलाल भाई से बात करते हैं। बिलाल भाई बहुत सारे लोग आपको चंडार से देख रहे हैं, बहुत सारे पेजेस से यहाँ पे चंडार के पेजेस से लाइव भी है इस वक्त, तो यहाँ पे ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने ढूंढ डाला है कि किस तरह से लड़कों को एंगेज किया जाए। तो आज से पहले तो मैंने आपसे बात नहीं की, तो क्या कुछ नया आने वाला है, तो और आज जो किया गया इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?